वो नमाज के बाद बुलंद आवाज से जिक्र करने के मुतल्लिक वो मैंने बता दिया है कि बरेली में नहीं होता। ये अपनी इनकी किताब कह रही है, यहाँ इन्होंने शुरू किया हुआ है, इनका अपने बड़ों से तरीका। एक आदमी ने एक हिंदू को भैंस देख तो लतीफा तो सुनो थी नहीं सुनिया है पुराने बाबे सुनो चलो मैं बात सुना दे। एक आदमी ने हिंदू को भैंस देखी, वो बेटी जब फौत हो गया तो रात को उसका कट्टा फौत मर गया, उसका चलत हो करिए सोच सोच को सर चलो खैर है। एक तो गधड़ा फंस लेना, गधड़ा जानते हो गधा, तो ऐसा को गधा गधे का बच्चा मिल जाए वो पकड़ लेता हूँ, वो साथ मिला के वो है वो छोड़ाएंगे उसको। हिंदू को क्या पता, वो उसको छोड़ाया, हिंदू से पैसे लिए और घर आ गया। तो अब इस भैंस का बच्चा मरे वो भैंस वाला किसी को नजदीक आने देती है, वो तो ऐसे मतलब है खाने को तैयार होती है, बड़ी मुश्किल उसको आहिस्ता आहिस्ता किस तरह संभाला जाता है। वो हिंदू जब बाल्टी उठा तो दूध के लिए उसके नीचे बैठा, उसने मारी टांग, हिंदू वहां जा दिया और वो भैंस दूध के लिए बड़ा परेशान। दो तीन दिन के बाद वो उठा के वो जनाब आ गया, वो जिससे हुआ था वो भैंस क्या नाम है वो इस्लाम जिससे बह हुई, उसने कहा भाई ये आप रख लो पैसे मुझे दे अपनी भैंस वापस। उसने कहा बता तो सही हुआ क्या है, कहता है चौधरी जी इससे माँ पोत्र की आवाज ही नहीं रल्दी आ जाता है। चलो दो दूसरे माँ नु याद करे इन्हें भी बोली तो रल जावे, माँ की बोली और पोत्र की बोली। भाई बात ये है मरकज वाले नहीं पढ़ते और यहाँ वाले, अगर न पढ़ना गुस्ताखी है तो वो गुस्ताख है, अगर पढ़ना बिदत है तो फिर ए बिदती है। लाल फैसला सही है असल तक कुछ नहीं आता। क्या इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह की किताब का हवाला देकर कहते हैं कि देवबंदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा भाई कहते हैं, गलत बात है। बरेलवी हजरात ने अबू जहल का भाई तफसीर नईमी जिल्द 7 मुस्तकर्रुन व मुस्तौदा इस आयत के आखिरी रकू से पहला जो है ना वो रकू, उस रकू के अंदर बरेलवी हजरात की तफसीर नईमी व मुस्तकर्रुन व मुस्तौदा उसको खोल के देखें। तफसीर आखिर में सूच जाना, उसमें लिखा हुआ है आदम अलैहिस्सलाम एक दरख्त है, जैसे जनाब की दरख्त में मुख्तलिफ किस्म के फल लगा दिए अल्लाह ने, इसी तरह आदम एक दरख्त की मिसल है, इसी के अंदर जनाब मुसलमान भी है, इसी में काफिर है, फिर मुसलमानों में वली है नबी है, फिर जनाब की देखो इसी दरख्त के अंदर अबू जहल है, इसी दरख्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी दरख्त से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम है, इसी दरख्त से क्या है फिरौन है। कहते हैं देखो अल्लाह ताला की कुदरत इस रिश्ते से सारे इंसान भाई जाते हैं। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल को भाई भाई कहे ये बड़ा जुर्म है या बड़ा भाई कहना जुर्म है ज्यादा, आप बताओ हैं? हमने कहा नहीं बिलफर, अगर किसी ने लिखा हो बड़ा भाई तो वो मुसलमान है ना बंदा, उसने मुसलमान का भाई लिखा है, किसने क्या कहा पहला जवाब कहते जिन्हें या साढ़े जिन्हें जवाब दे के बाद अपना जवाब दे के बाद बस साथ जवाब ले लें। हमने कहीं नहीं लिखा ये, हमारे अकाबिर ने यूं लिखा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे कि हुजूर बस इतनी शान रखते हैं, इतनी बड़े भाई के छोटे भाई के हैं, तो ये आदमी साफ है, इतनी शान है मुझसे ज्यादा हुजूर की जितने बड़े भाई की छोटे भाई की होती है, तो ये आदमी बेईमान है, ये हमारे आकाश की बात समझ आइए। नमाज में आपका ख्याल आ जाए तो इसकी नमाज टूट जाती है, ये बिल्कुल झूठ मन घड़त बात है। दुनिया का कोई बरेलवी ये किताब ये बात हमारी किसी किताब में लिखा दे तो हुजूर का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है और गधे का ख्याल आए तो नहीं टूटती, दो सजा मुझे कहेगा मैं तुझे और कम से कम उसे 10,000 रुपये इनाम।
अगर इसमें जरूरत हो इसे वो किताब लाभ इतराज दिखा दे, 10,000 रुपया तो ले ला यार। चलो तू फैजान मदीना के काफले में चल रहा है, फायदा ही हो जाएगा। और कोई किताब खरीद नहीं है, नहीं तो 10,000 महीनू दे, मैं पूरा साबित करे ना। चल वो ऐलान कर, तो ये अगर कोई देवबंदी झूठा साबित कर दे तो हम उसे 10,000 इनाम देंगे, मैं साबित करे ना। और तू रुपये की गल नहीं ना कर यार, वैसे आ जा मैं तेरे बस झूठा बनेगा। तो झूठे ये अगर लिखा की नहीं ऐसा बस केड़ी गल तू बोलना भाई। बात ठीक है, गल जो लिखेंगे हम मानेंगे, जो नहीं लिखा नहीं माने, जो नहीं लिखा नहीं माना, ना माना है ना मानेंगे। तो लिखी नहीं गल ऐवे साढ़े गल क्यों गत्तू दूंगा, जी लिखी है असा तो वो तो भाई जरा ना मतलब है जवाब दे है ना। बस मोगे थोड़े सवाल अगर नबी नूर नहीं तो हजरत उस्मान गनी का लकब जिन्नुरैन खत्म। हजरत उस्मान जिन्नुरैन को जिन्नुरैन इसलिए नहीं कहा जाता कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात के एतबार से मादे सिलसत के एतबार से नूर है। समझ रखना, आप नूर हिदायत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद भी। बोलो यार, वो जब हुजूर की दो नूर हिदायत बेटियां सैयदना उस्मान के घर आए तो हजरत उस्मान जिन्नुरैन बने या ना बने, ऐसे तो कई गल कही। कहता है जनाब अगर नबी को इल्म गैब रही तो कबर हशर जन्नत जन्नत तमाम की तमाम निशानियां खत्म। बात सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, अब आप भी तो लोगों को बताते या नहीं बताते? कबर में यूं होगा, हशर में यूं होना है, हशर के दिन ये ऐलान होगा, हशर के दिन कौन से रात कायम होगा, जन्नत जहन्नम वहाँ सवालात होंगे, जवाबात होंगे, तराजू लगेगा, अल्लाह ताला अदालत में जनाब की अदालत फरमाए, ये बातें आप बताते हो या नहीं लोगों को? आप सारे आले बोल गए थे कहीं पर। और आगे सुनो, कहते हैं अगर नबी हाजिर नाजिर नहीं तो हर कबर में नबी का आने का सवाल खत्म। किसी ने कहा है नबी पाक तशरीफ लाते हैं? मौलवी अहमद रजा खान को भी आज तक यकीन नहीं, मलफूजात आला हजरत शहरों के आखिर में उसने कहा है मुझे नहीं पता कि आका तशरीफ लाते हैं या वहीं से पर्दा हटा दिया। ओनू भी यकीन कोई नहीं, तेनू की तो यकीन आ गया भाई। तो एक और मसला दसती जाऊ, ये किताब है मेरे पास मौजूद, किताब का नाम है, लिखने वाला है मौलवी गुलाम मोहम्मद शर्तपुरी, ये शेखपुरे का एक रहने वाला है, शर्तपुर इलाका है, उसमें जनाब की रहता है। कहता है क्या हर फिरते के हाथ से हसीबा किया हुआ जानवर हलाल है, ये इसकी किताब है। इसके सफा नंबर 22 पर उसने लिखा है इमाम मस्जिद नबवी और इमाम काबा काफिर और मुर्तद है, उनके पीछे नमाज पढ़ना हराम है, उनको मुसलमान कहने वाला भी काफिर। तवज्जो 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 मेरी तरफ रखे, आप पास एक गल नहीं कर रही है, एक घर वाले के सारे मशरे करे आप देख लो। अब आप मुझे बताएं, अब हज के लिए इनको तो जाने की जरूरत ही नहीं वैसे, लेकिन मैं तो वैसे ही बख्शे बख्शाए हैं तो फिर वैसे हज के लिए क्यों जाए भाई? रोजे क्यों रखते हो? फिर जकात क्यों देते हो? खैरात क्यों? मस्जिदें क्यों? फिर जनाब कुर्बानी क्यों? फिर तो सारा दीन ही छोड़ देना चाहिए। फैजान मदीना के काफले में चलने की क्या जरूरत है? फिर काफले घरों में बिठाओ, फिर सारी गले दुनिया ही बख्शी बख्शाई है तो फिर तो ठीक करा रहे हो आप कलमा नमाज। हाँ ठीक है ना भाई, फैजान मदीना कराची से चले हो क्यों? लोगों का कलमा नमाज ठीक कराया, लोग तो बख्शे हुए, अल्लाह का कुरान कहता है कि ये बख्शे हुए। तुम्हारे बकौल, तुम्हारे बकौल अल्लाह का कुरान कह रहा है कि ये एक काफले में घर बहाओ। काफले घर बिठाने चाहिए या लोगों की इस्लाह के लिए भेजने चाहिए? घर बिठाने चाहिए, फिर इस्लाह के लिए को भेजे हुए। इसका मतलब है कि मौलवी झूठ बोलता है, कुरान पे झूठ। अगर ये मानता कि हाँ वाकया सारे बख्शे हुए हैं
तो फिर ये काफिला लेके एक काफिला भी चलाई बैठा है और आता लिखा हुआ भी यू है। वाह भाई वाह, ये तो मतलब ये लिखे हुआ गलत है या तू गलत है, दो ही गल है, या तू गलत है या लिखा हुआ। काफिले में चलती हो इतना खर्चा होता है जी, जहां ठहरती हो वो लोग भी तुम्हें जरा खिलाते पिलाते हैं, है जी हलवे बांटे खाते हो, इतनी जगह दूर से चल के आयो, किराया लगा, चलो तुम्हारा अपना ना लगा, किसी का तो लगा है, पैसे क्यों जाया कर रहे हो भाई जी। लोगों को कलमा नमाज, लोगों को दीन सिखा रहा है, लोग तो पहले बख्शे हुए ईमानदार, सच्ची जा नहीं है गलत। ये मौलवी का मसला क्या है, हमारे नजदीक बख्शे हुए नहीं है, बख्शिश का ताल्लुक अमल से होगा, जिसका अमल ठीक है, अकीदा ठीक है, रब्बुल आलमीन मेहरबानी फरमाते से बख्शेगा, जिसका अकीदा खराब है वो बख्शा नहीं जाएगा, जिसके अमल में कमजोरी है अल्लाह करीम रहमत फरमाते से माफ कर दे, उसकी मर्जी न माफ करे उसकी मर्जी। बात समझ आ रही है, इसलिए हम तो भाई जमाते चलाते हैं कि लोगों की हिम्मतें समाजते करके नमाज पढ़े आओ, उनकी कलमे ठीक करो, उनको जनाब की दावत दो, वो अल्लाह के रस्ते में निकले, ईमान मजबूत हो, दीन से चलने का शौक पैदा हो। हम तो मेहनत कर सकते हैं, तुम हो वाले नदी का काम है ही सारा पहले दही,